नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अमन शाह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। और अब वक्त हो गया रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। नजर डालेंगे इस वक्त की कुछ खास और बड़ी खबरों की तरफ। और सबसे पहले खबर बांदा से है, जहां पर भारी बारिश के चलते इस समय यमुना नदी का कहर अपने चरम पर है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति नजर आ रही है। और बाढ़ को देखते हुए चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। वही लोगों की समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी बांदा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया है और पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ भाजपा नेता अजय सिंह पटेल और उप जिलाधिकारी समेत कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। क्षेत्र यमुना किनारे बसा हुआ, यहाँ 72 परिवार अभी फिलहाल बाढ़ से पीड़ित मिले हैं। उनके 173 लोग जो प्रभावित हैं, तो पद परिवार इनको जो है प्राथमिक रूप से लैया है, चना है, गुड़ है, उसमें मोमबत्ती है, ये प्राथमिक जरूरत की चीज़ें अभी तत्काल इनको मुहैया कराई गई है। बाकी और सामग्री जो अभी बांदा से मंगाई जा रही है, तो वो सब दी जाएगी। एक नाव यहाँ लगी हुई है और एक नाव की व्यवस्था और कर दी गई है। तो पूरी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार, मैं, SDM साहब, भाजपा के अजय कुमार पटेल साहब जो चुनाव लड़े थे विधानसभा का, इनकी उपस्थिति में बाढ़ पीड़ितों को ये सामग्री बांटी गई है। और लगातार हमारे SDM साहब, तहसीलदार साहब, सब अमरसिंह हैं, जहाँ भी कोई दिक्कत होगी हम बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हैं, पूरा प्रशासन खड़ा है, शासन खड़ा है। उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे। उनका जो भी जरूरत पड़ेगी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी और उनको हवा जान के नावें लगा दी गई हैं और जो भी जरूरतें हैं सब पूरी कराई जाएगी। और अब खबर बांदा से है, जहां पर ब्राह्मण और क्षेत्रीय बिरादरी के साथ ही साथ पुलिस को गाली देते हुए युवक का वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में वीडियो आने के बाद से पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक पर वैधानिक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में दिख रहा है कि युवक कमासन थाना अंतर्गत लोहरा गाँव का बताया जा रहा है। किसान रात की बोट घूम रही है, दरोगा हो चाहे ठाकुर बाबा पागा हो चाहे दरिया में घुसे वीर बहुत ठाकुर हमारे कुछ नाम ले तो 50 पैर मार। थाना कमासिन जनपद बांदा अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय जाति को जात सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दी गई है। ये प्रकरण वायरल हुआ था और किसी व्यक्ति ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। ये प्रकरण संज्ञान में है, व्यक्ति को चिन्हित कर लिया गया है, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। किसान रात की बोट घूम रही है, दरोगा हो चाहे ठाकुर बाबा पागा हो चाहे दरिया में घुसे। तो करेंगे ये खबर की तरफ। और अब खबर बिजनौर से है, जहां पर शहर कोतवाली में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस समाधान दिवस में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और SP दिनेश सिंह ने फरियादियों की समस्याएं सुनी हैं और कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण भी कर दिया है। वहीं बची हुई समस्याओं को लेकर संबंधित अधिकारियों तक का निस्तारण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस जमीन से संबंधित विवाद उनको हम लोग खाने पे आज सुन करके पक्षों के बीच समाधान कराने का प्रयास करते हैं कि आपसे समझौते समाधान हो जाए और पुलिस और रेवेन्यू की टीमें एक साथ जाकर के मौके पर समस्याओं का वास्तविक समाधान कराएं, इसका सबसे ज्यादा प्रयास किया जाता है। क्या बिजनौर में कुछ ऐसे प्रकरण आए जो जिनका आप समाधान किया गया? हाँ, अभी कई मामले आए हैं, दो का तो यही समाधान किया गया और कुछ में टीमें गठित कर दी गई और अब खबर सूरत से सामने आ रही है, जहां पर शहर गोपीपुर विस्तार में हिंदू मंदिर प्रांगण गणेश महोत्सव को लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें विशेष रूप बाचुगिरी महाराज उपस्थित रहे। इस दौरान समिति द्वारा मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है और जिसके माध्यम से लोग परमिट भी ले सकते हैं। वर्ष 2022 में श्री गणेश उत्सव सूरत में खूब धामधूम से होने वाला है। सूरत से गणेश समिति के संतों के द्वारा जो आचार संहिता दी गई है उसका पालन करने के लिए सब मंडलों ने बाहेदारी दी है। और इस साल जो गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन करने के लिए सूरत महानगर पालिका की ओर से गौरी नवम के दिन 12 कृत्रिम तलाव और जो लास्ट 9 सितंबर को जो मुख्य विसर्जन होने वाला है उसमें 19 कृत्रिम तलाव बनाए गए हैं। गणेश उत्सव दरमियान सब मंडल अलग कार्यक्रम कर उसके लिए हमने आचार संहिता में सबको मार्गदर्शिका दी है। और इस साल मुख्यत्वे
ऑर्गन डोनेट का कार्यक्रम सब भी मंडल करे, वो हिसाब से डोनेट लाइफ के साथ में मिलके हम लोग ने वो आयोजन किया है, उसमें सब मंडल साथ देंगे ऐसी हम आशा रख रहे हैं। पुलिस तंत्र सुरमा पालिका और कलेक्टर के ऑफिस के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे या किए जाएंगे उसका पालन सब आयोजक करेंगे ऐसी हम आशा रखते हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश की सत्ता से, जहां पर पड़ोसी जिले रीवा में स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सत्ता जिला कलेक्ट्रेट ने प्रबंधित आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं स्वर का मांस की बिक्री पर भी जिले भर में प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि देर रात में सतना जिले के कलेक्ट्रेट अनुराग वर्मा ने स्वर पालक, उप संचालक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं तथा नगर निगम को स्वरों की साफ सफाई और स्वास्थ्य ध्यान रखने के आदेश दिए हैं। और अब खबर समस्तीपुर से, जहां पर जिले के विभूतिपुर प्रखंड में आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों का भी विभूतिपुर उप प्रमुख ने औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि इस दौरान कई केंद्रों पर THR वितरण के में कमियां भी पाई गई हैं। और आपको बता दें कि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 380 पर THR वितरण में लोगों को 1 किलो चावल, आधा किलो दाल, 125 ग्राम सोयाबीन एवं 100 ग्राम सरसों का तेल ही मिला है, जो निर्धारित मानक से कम है। आपको बता दें कि उपप्रमुख ने प्रखंड बाल विकास पदाधिकारी से भी सभी दोषी पर उचित कार्यवाही की बात की है। और अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आ रही है, जहां पर एक झोला छाप डॉक्टर की दवाइयों ने महिला की जान ले ली। आपको बता दें कि परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर ने महिला इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ देर बाद ही महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना मिलने पर ही मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझा बुझाकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। और वहीं आए दिन इस तरह की हो रही घटनाएं स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। ये जो इनका हादसा हुआ क्या है, कौन है आपकी? मेरी बच्ची है। हाँ, इनका इलाज के बारे में कुछ जानकारी है आपको? दवा के नहीं सर, मैं साथ में आज हूँ, बाद में जब बोतल चला था इसके, वो डॉक्टर ने इतना से इंजेक्शन लगाया, उसी घर वाले ने रोका कि ये इंजेक्शन तुमने क्यों लगा दिया। आप क्या मान के चल रहे हैं कैसे इनकी मृत्यु हो गई? वो डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया छोटा सा, उसी में फिर ये उन्होंने बोली खत्म नहीं हुआ। मतलब आपका कहना है कि डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर की दवाई करने से ही उनकी मौत हुई? हाँ, वो छोटा सा इंजेक्शन लगाया है, उसी में मौत हुई। कहाँ से है? लाहौर से। ये जो इनका हाथ। और अब खबर देवरिया से सामने आ रही है, जहां पर उपकरण कर फिरौती मांगने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इन 6 अभियुक्तों ने एक युवक का अपहरण किया था, जिसके बाद युवक के परिजनों से 2.5 लाख की फिरौती भी मांगी थी, जिसके बाद परिजनों द्वारा पुलिस को शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और पीड़ित युवक को सुरक्षित हालत में बरामद कर परिवार को सौंप दिया है। जनपद के थाना सलेमपुर क्षेत्र अंतर्गत वादनी मुकदमा द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 25/8/22 को शाम लगभग 7:30 बजे 5 से 6 व्यक्ति उसके पति को अपने साथ ले गए। अगले दिन उसके मोबाइल फोन पर उसको उसके पति को जान से मारने की धमकी देते हुए 2.5 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सलेमपुर पुलिस द्वारा वादनी के पति को सकुशल बरामद करते हुए 6 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद अब खबर देवरिया से, जहां पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक ने भवानी छापर में निर्माणाधीन राजकीय ITI का निरीक्षण किया है, जिसमें DM ने वर्ष 2014 से अभी तक परियोजनाओं के पूर्ण न होने पर गहरी नाराजगी जताई है और गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक तकनीकी टीम का गठन भी किया है, जो 7 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और साथ ही DM ने इस महत्वपूर्ण परियोजना का शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।
ये बनकटा ब्लॉक जनपद देवरिया में भवानी छापर में एक राजकीय आईटीआई निर्माणाधीन है और ये परियोजना जनपद में सबसे पुरानी चल रही परियोजनाओं में से है, क्योंकि 2014 में इसे परियोजना चल रही है, 8 साल हो गए हैं और इसमें जो टाइम लाइन्स थी वो ओवरशूट हो चुकी है, परंतु काम कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा ये कि जो परियोजना का निर्माण की क्वालिटी जो बिल्डिंग दिखाई पड़ती है पुताई नहीं हुई है, उसमें दिखाई पड़ रहा है कि कार्य के में जो टेक्निकल मानक हैं वो उतने नहीं ध्यान दिए जा रहे हैं, पिलर्स में और वॉल्स के फ्यूज़न में ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आखिर कैसे कर रहे हैं। तीसरा, जो बिल्डिंग में एक बेसिक नॉर्म है विभागीय कि बोर्ड लगा होगा ताकि विभाग को योजना के बारे में जवाबदेही रहे, वो भी नहीं है। चौथा, 5 करोड़ से बड़ी की परियोजना है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके लिए आवश्यक है कि जब काम हो रहा हो तो एक टेक्निकली क्वालिफाइड जेई या एई व्यक्ति रहे, वो भी मौके पर नहीं है। तो इसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करेंगे और हमारा प्रयास होगा कि इस सत्र में इसको कर दें ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। जो निर्माण में कमियां हैं उसके लिए जो दंड है निर्धारण वो किया जाएगा और प्रयास ये होगा कि इस शैक्षिक सत्र में जो समाप्त होगा उसके बाद नगले के लिए बच्चों का एडमिशन यहाँ पर हो सके और जो बनकटा बिहार बॉर्डर पर इंटीरियर इलाका है हमारा, वहाँ के बच्चों को भी आईटीआई का लाभ। और अब खबर गुजरात के सूरत से है, जहाँ पर गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस समिति द्वारा जन आरोग्य संकल्प पत्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राज्य में पार्टी के सत्ता में आने पर सरकारी और स्वीकृत निजी अस्पतालों के साथ साथ मुफ्त में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। द्वारका चिंतन शिविर में जो फरवरी महीने में 27 तारीख को जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा में जो आरोग्य की बात रखी थी, वो आरोग्य की घोषणा करने के लिए हम आज प्रेस कर रहे हैं। आरोग्य में गुजरात में जो तंदुरुस्त बाल और तंदुरुस्त माता के लिए, खास करके जो कुपोषित माता है, कुपोषित बच्चे हैं, उनके लिए सर्वे करवा के उसको सुपोषित करने के लिए योजना रखेंगे। और आर्थिक परिस्थिति जिनकी खराब होती है, वो तंदुरुस्ती के लिए आरोग्य की कुछ भी ऑपरेशन करना हो, उसके लिए 10 लाख तक की मुफ्त में उनकी सारवार हो जाए। किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए भी हम योजना निकालने वाले हैं। और जो आउटसोर्सिंग से जो भर्ती हो रही है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर हो, नर्स, आरोग्य कर्मी हो, सबके लिए पूर्ण समय के लिए पूरा पगार उसको मिले, उसके लिए भी उसमें घोषणा की गई है। और जो खंडेर की परिस्थिति में सरकारी दवाखाने हैं, जो बड़ी अस्पताल है, उसको अच्छी तरीके से बड़े बनाएंगे। और जो बच्ची जहाँ पे बच्ची जो जन्मती है उसका प्रमाण कम है, उसके प्रमाण ज़्यादा बढ़ाने के लिए जिस फैमिली में बच्ची का जन्म होता है, कन्या का जन्म होता है, उसके लिए हर महीने 3,000 रुपया और वो जब बड़ी हो जाएगी 18 साल के बाद उसके लिए 30 लाख रुपया का भी प्रयोजन निर्धारित किया गया है। हमें हमारा जो नागरिक तंदुरुस्त होगा तो देश तंदुरुस्त होगा, बाल तंदुरुस्त होगे तो उसकी माताएं तंदुरुस्त होगी और गुजरात तंदुरुस्त होगा। द्वारका चिंतन शिविर। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही, और एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए केके न्यूज़ के साथ।